हाँ जी बेटे, लास्ट क्लास के अंदर बच्चे अपने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया सीगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपने ट्रांसपोर्ट के मोड्स डिस्कस कर ले सीगे, ट्रांसपोर्ट के फंक्शंस की ने वो डिस्कस कर लिया सीगा। फिर अपने ये डिस्कस किया सीगा कि ट्रांसपोर्ट लई ह्यूमन बॉडी दे कोल की है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींगस। अपने ब्लड डिस्कस कराया सीगा, ब्लड दे अंदर अपने की डिस्कस किया सीगा टाइप्स ऑफ द सेल्स इन द ब्लड, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। क्लियर? फिर अपने ब्लड दे फंक्शंस करे सी इन द लास्ट क्लास। ठीक है, अज बेटे आप ब्लड दे फंक्शंस तो नेक्स्ट आर्टिकल है जो अपना, दैट इज द सिंपल आर्टिकल ब्लड क्लॉटिंग। एंड देन अपनी बॉडी के अंदर जिन्हिया भी ब्लड वैसल्स ने आप उन्होंने बारे पढ़ा। ठीक है, सो द फर्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग। पहले आप ब्लड क्लॉटिंग समझते हैं। इतने मैं दो चीज़ें दसूंगी, BTCT, ब्लड ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। एंड देन वी विल मूव टूवर्ड द कि क्लॉटिंग होंगी किमें है, क्योंकि क्लॉटिंग मेन फंक्शन की है प्लेटलेट्स का। ठीक है, फर्स्ट बेटे ये क्लॉटिंग का मतलब की है, मैं कल भी दसिया सीगा, बॉडी के अंदर जिथे भी कट लग गया, इंजरी हुई, उस जगह का थोड़े टाइम बाद हील होना, उथे क्लॉट बन जाना, उन्हें कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, द स्पेस शुड बी कवर्ड बाय अ क्लॉट ऑफ द ब्लड, जिन्हों आप पंजाबी खरींड कह दें, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉट। इतने दो डेफिनेशन आदि ने BTCT, अगर तुम शायद कदे कोई टेस्ट कराए हो तो थोड़ा पता होए, यदा भी टेस्ट होंगे, अगर किसी के ब्लड के अंदर कोई डिसऑर्डर है तो दो नॉर्मल टेस्ट है, BTCT, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम होंगे किन्ने टाइम तक ब्लड थोड़ी बॉडी चो बाहर आया। ठीक है, मतलब थोड़े कोई कट लग गया, किन्नी देर तक वो ब्लड है जिहड़ा ओ उस कट चो बाहर आया। जनरली की किया जाता है ये अंदर, वैसे दैट इज़ आउट ऑफ द फोकस, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू ब्लीडिंग टाइम के अंदर। मान लो मेरी फिंगर पर प्रिक किया, मैनू टिशू पेपर देता, मतलब स्पेशल ब्लॉटिंग पेपर होंगे लैब च, उत्थे थोनू किया भी बिना इनू प्रेस किते जस्ट मेक द डॉट्स। ठीक है, तुसी पहला डॉट लगाया बड़ा सीगा, दूसरा डॉट लगाया इस तो छोटा हो गया, तीसरा डॉट लगाया इस तो छोटा, चौथा लगाया इस तो छोटा, पंजवा, छेवा, एंड फाइनली और डिसअपीयर होना शुरू हो गया। तुसी नाल नाल टाइम रिकॉर्ड करते रहने हो, जनरली 1 मिनट होंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर तक ही वो ब्लड है जिहड़ा वो क्लॉ मतलब बेंद है थोड़ी बॉडी चो, दैट इज़ ब्लीडिंग टाइम। किन्ने समय तक ब्लड जिहड़ा है वो कट चो बाहर आया। ठीक है, वो नॉर्मल है क्लॉटिंग, अगर किसी का वो टाइम इस तो वध या घट है, यदा मतलब वो बॉडी जिहड़ा है ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो रही है, मतलब वनू कोई ना कोई डिजीज़ है। क्लॉटिंग, क्लॉटिंग दे लई फिर उवें ही करते हैं, फिंगर ते प्रिक करते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब लेंदे, एक छोटी जी ट्यूब होंदी है, बड़ी ही नैरो ट्यूब होंदी है, उन्हें थोड़े उस ब्लड के उपर रख देंगे, ब्लड अपने आप ट्यूब के अंदर चला जाता है बाय द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, फिर इस ट्यूब न 1 मिनट बाद या थोड़े सैकेंड्स बाद तोड़ना शुरू कर देंगे, इतने तोड़िया ब्लड सी, इतने तोड़िया ब्लड सी, इतने तोड़िया एक जिमें तार जी निकलनी शुरू होगी, मतलब ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया। टाइम नोट करते रहो नाल नाल, इतने आए और फाइनली धागा बन गया, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लॉटिंग। ठीक है, ये भी जनरली मनिया जाता है कि 1 मिनट तक क्लॉटिंग होनी चाहिए है। ठीक है, हुण वो क्लॉटिंग होंगी किवें, हाउ दैट क्लॉट अकर्स इन आर बॉडी। ठीक है, तो इतने सब तो मेजर रोल होंगे प्लेटलेट्स का। ठीक है, ताई अपने सिलेबस से ना, दैट इज़ द क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग इज ऑन आर इन इज इन आवर सिलेबस, तो इस करके ही आपां उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। हुण देखो सब तो पहले की होया, इंजरी हुई, पेशेंट दे इंजरी हुई, इंजरी मतलब कुछ भी लग गया, इंजरी हुई तो उस जगह पर प्लेटलेट्स ने जड़े वो आने शुरू हो गए, प्लेटलेट्स इकट्ठे होने शुरू हो गए, उन्होंने कहते प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, प्लेटलेट्स आए, जिवें ही प्लेटलेट्स उत्थे पहुँचे, प्लेटलेट्स के आने नाल एक कैमिकल रिलीज़ होया जिदा नाम है थ्रोम्बो प्लास्टिन, जिदा नाम है थ्रोम्बो प्लास्टिन। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने की किया,
कैल्शियम आयंस दी प्रेजेंस दे अंदर प्रोथ्रोम्बिन नू प्रोथ्रोम्बिन एक केमिकल है नू प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है उन्हें थ्रोम्बिन दे अंदर कन्वर्ट करता हूँ एवं क्यों हो रहा है एक्चुअली एक नेटवर्क है जे ए आया तो ए आया जे ए आऊगा तो ए अंदर कन्वर्ट हो जूगा एंड जिहड़ा थ्रोम्बिन आया थ्रोम्बिन की करता है ब्लड के अंदर फिब्रीनोजन नाम का कैमिकल प्रेजेंट है फिब्रीनोजन एंड उस फिब्रीनोजन नू थ्रोम्बिन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है दिस इज द फाइबर फाइब्रिन जो कि उत्थे मैश बना देंदे जिन्हों आप क्लॉट कहने दोबारा सुनो इंजरी हुई हूँ आई नहीं है भी तुम आई को किसी की बांह टुट गई फिर उत्थे क्लॉट बन जाए नहीं इट डिपेंड्स कि इंजरी किन्नी डीप सेटेड है ठीक है जो थोड़े नॉर्मल कट लग गया जिमें अपने ब्लेड नाल कुछ कट्टिया गया या नॉर्मली कोई सुई दे नाल प्रिक होया ये आपां उहदी गल कर रहे हैं जेकर थोड़ी बॉडी दे अंदर कोई फ्रैक्चर है आर्म कट्टी गई लैग कट्टी गई उत्थे एक्सेसिव ब्लीडिंग हुंदी है उत्थे बॉडी दे अंदर ये प्रोसेस चल रहा हुंदा बट वो कुछ कर नहीं पाता फिर उत्थे डॉक्टर्स आपां नूं एड दिंदे है ठीक है फर्स्ट की होया इंजरी हुई इंजरी वाली जगह ते प्लेटलेट्स आ गए प्लेटलेट्स कित्थे सीगे ब्लड च सीगे ए वी ब्लड च ही पे है थ्रोम्बोप्लास्टिन भी ए भी ब्लड च पे है प्रोथ्रोम्बिन भी ए भी ब्लड च ही पे है फिब्रीनोजन भी बट दे ऑल आर इन द इनएक्टिव फॉर्म दे ऑल आर इन इनएक्टिव फॉर्म क्योंकि हर टाइम थोड़ी ना ये ब्लड च एक्टिव रहनी जे हर टाइम ब्लड च एक्टिव रहन तो वट विल हैपन फिर तो अपनी बॉडी हर टाइम ब्लड नू जमा दूगी फिर तो अपनी बॉडी के अंदर वैसल्स के अंदर ब्लड का बहना ही औखा हो जूगा दैट इज़ वाई दीज आर द इनएक्टिव फॉर्म्स इन्हों एक्टिव करन लई सब तो पहले प्लेटलेट्स आए प्लेटलेट्स ने सिग्नल दिता किनू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने ब्लड च कैल्शियम आयंस प्रेजेंट सीगे उन्होंने यूटिलाइज किया एंड उन्होंने प्रोथ्रोम्बिन नू थ्रोम्बिन दे अंदर कन्वर्ट करता जो थ्रोम्बिन है उन्हें फिब्रीनोजन नू फिब्रिन दे अंदर कन्वर्ट करता तो उत्थे की बन गया एक मैश बन गया इज दैट ओके दैट इज़ द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इनू आप मैश नू क्लॉट कह दें फाइब्रिन आया एंड उत्थे क्लॉट है जिहड़ा वो बन गया क्लीयर हेयर विल बी द क्लॉट फॉर्मेशन एम आई क्लीयर नाउ द नैक्सट इज हूँ आप पढ़ा ब्लड वैसल्स किन्ने तरह दिया होंदिया ने बॉडी के अंदर ब्लड वैसल्स ने जिहड़ियां बेटे ह्यूमन बॉडी के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वैसल्स आर देयर ब्लड वैसल्स आर ब्लड वैसल्स है कि ब्लड वैसल्स आर द ट्यूब्स जिन्हों के विच ब्लड फ्लो कर रहे हैं द ट्यूब्स इन विच द ब्लड इज फ्लोइंग द ट्यूब्स आर कॉल्ड एज वैसल्स एंड दीज वैसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स फर्स्ट इज वी हैव इज द आर्टरीज सेकेंड इज वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज ठीक है आर्टरीज कौन हुंदियां ने आर्टरीज ओहो ब्लड वैसल्स ने बेटे जिन्हां दे अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिहड़ा ओ फ्लो करदे जदों भी तुसी डायग्राम ड्रॉ करदे हो तो तुसी आर्टरी दे अंदर कलर है जिहड़ा ओ रेड शो करदे हो द रेड कलर इज गिवन बाय द आर्टरी बट हेयर वी हैव इज वन एक्सेप्शन ओनली वन एक्सेप्शन That is the pulmonary artery is there in our body which is the only artery that carries the deoxygenated blood from heart to lungs ida reason dass sakde ho main dassdi ha हार्ट के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है ठीक है जो आर्टरीज़ ने ना इन्ने प्रेशर नू बीयर कर सकदियां ने क्योंकि आर्टरीज़ थिक वॉल्ड हुंदियां ने एंड वेन्स आर थिन वॉल्ड ठीक है अगर इन्ना प्रेशर कोई थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर लेके जाऊगी तो वो अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है
दैट इज़ वाई सिर्फ इस जगह पर बॉडी के अंदर रिवर्सल है, होर किते भी नहीं है। पलमोनरी वेन्स दे विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पलमोनरी आर्टरी विल कैरीज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एम आई क्लियर? ठीक है ना। आर्टरीज की है, दे आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वैसल्स जो कि ब्लड नू बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ने, जो कितों चल दिया ने, जो कि कितों चलिया, हार्ट तो कितों तक जान गया, बॉडी तक, बॉडी तक। ठीक है, दे विल मूव फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्लड फ्लोज इनसाइड द आर्टरीज विद द जर्क्स, क्योंकि हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी आ रही है। ठीक है, वो पंपिंग एक्टिविटी आ रही है एंड विद द फ्लो ऑफ द हार्ट, विद द फ्लो ऑफ द ब्लड इन इट, जो आर्टरीज ने उन्होंने अंदर जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे क्योंकि वो थिक वॉल्ड है। ठीक है, एक्सेप्शन मैं थोनू दसता। वेन्स की है बेटे सेकेंड, जिदे अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिहड़ा वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, एंड एक्सेप्शन इज ओनली वन देयर, दैट इज द पल्मोनरी वेन विच कैरीज द डी विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। एम आई क्लियर? दे आर थिन वॉल्ड। ठीक है, क्योंकि वेन्स क्यों ने एवें, वेन्स ने तो बॉडी चो आराम नाल ब्लड लेके आना है, वो तो आराम नाल आ जाऊगा, है ना। जो तो हार्ट को जाना है तो हार्ट है जिहड़ा उहदे ते प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो जिहड़ी वैसल प्रेशर नू एग्जर्ट करूगी उहदे अंदर ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आऊगा ना। सो दैट इज़ वाई वेन्स आर, वेन्स के उपर कोई प्रेशर नहीं है, वेन्स अपने आप आराम नाल ब्लड लेके आ रही हैं। ठीक है जी, एंड नाउ वी हैव इज द कैपिलरीज, जो आर्टरी एंड वेन होंगे ना बेटे, फाइनली वो दोनों कि अंदर सिंगल लेयर्ड वैसल्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, जो कि नेटवर्क फॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कैपिलरीज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आ वेन आ रही है, आ पहले हार्ट को लो आई कोई बहुत बड़ी वेन है, फॉर एग्जाम्पल ये अगे आके डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, क्लियर है। वेन दे अंदर की है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, होने अगे आके छोटे छोटे ब्रांचेस दे अंदर कन्वर्ट होगी, जिन्हों मैं की क्या कैपिलरीज। ठीक है, इधरली साइड ते कैपिलरीज की दिया प्रेजेंट होंदिया ने, आर्टरी दिया, ए भी कैपिलरीज ने, यानी कि वेन्स दिया कैपिलरीज, आर्टरी दिया कैपिलरीज, हुने कैपिलरीज ने किन्नू ज्वाइन कर लिया, आर्टरी नू ज्वाइन कर लिया। इस तरीके दे नाल अपनी बॉडी दे अंदर नेटवर्क बंद है आर्टीरियोल्स एंड विन्यूल्स का। क्लियर है, दे आर कॉल्ड एज द कैपिलरीज। एम आई क्लियर टू एवरी वन? ठीक है, तो अपन आर्टरीज एंड वेन्स क्लियर हो गया। अगर किसी नू कोई भी डाउट होए बेटे इतों तक तो मैं पूछ लियो। ठीक है, एक होर मैं डेफिनेशन दसूँगी डायापिडेसिस। द डेफिनेशन इज इतें लिख रही है नाम डायापिडेसिस। डायापिडेसिस की होंगे बेटे, जो WBCs ने ना वो उन्होंने इम्यूनिटी देनी है ना बॉडी नू, जिथे भी कोई प्रॉब्लम हुई उत्थे जाना है ना। मान लो किसी भी जगह पर कोई इन्फेक्शन हुई तो WBCs दे कोल पार हुंदी है कि वो बहुत छोटे जे जगह चो भी निकल जाते अपनी बॉडी नू स्क्वीज करके। मान लो आ कोई वैसल है, ठीक है, आ इहदे अंदर बहुत छोटा जा स्पेस है, WBC आ रहा सीगा, WBC अपने आप नू बहुत ही नैरो करके कुछ इस तरीके दे नाल अपनी शेप नू करके उत्थों दी दूसरी जगह ते निकल जांदा है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डायापिडेसिस। ठीक है, व्हाट इज डायापिडेसिस? तो डायापिडेसिस दे अंदर अपने कोल की हो गया बेटे कि अपनी बॉडी दे अंदर जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स ने वो कैपिलरीज तो बाहर आते हैं। कैपिलरीज दे अंदर देखो कितना छोटा नैरो स्पेस होगा ताकि वो इन्फेक्शन्स दे नाल फाइट कर सकन। अगर नियर बाई जगह च कोई भी इन्फेक्शन है तो उस जगह चो बाहर आएंगे स्क्वीज होके, तो उन्होंने स्क्वीज होने आप कहने डायापिडेसिस। क्लियर है इतों तक सबनों? ओके है बेटे। नाउ द नेक्स्ट इज, ठीक है बेटे, अगर हाँ वेन्स है जो, अगर आप उहदी कैपिलरीज की गल करिए तो दे आर विन्यूल्स एंड द कैपिलरीज ऑफ आर्टरीज आर आर्टीरियोल्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इतों की बिग वैसल जा रही है, फिंगर के अंदर जा रही है, सारे कितने ऑक्सीजन लेके जा रही है, इतने पहुंची, हुण उहदा जिहड़ा बैड ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उहनूं वापस भी तो लेके आना ही है ना। हुण इतने अगैन बड़ी वेन तो आऊगी नहीं ना, तो उत्थे भी तो वेन्स दे विन्यूल्स होणगे,
ਉਹ ਵੈਨਿਊਲਸ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੇਨ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਨ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਵੈਸਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਬਿਗ ਵੈਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸਲ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਹਾਰਟ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਹਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਸ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਔਰਗਨ ਇਨ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ ਹਾਰਟ। ਐਮ ਆਈ ਓਕੇ ਟਿਲ ਦਿਸ ਐਵਰੀਵਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਜਰ ਫੋਰਸ ਇਨ ਆਰ ਬਾਡੀ ਇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਦਾ ਹਾਰਟ ਟੂ ਦਾ ਬਲੱਡ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਓ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਔਰਗਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਔਰਗਨ, ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਔਰਗਨ। ਲਿੰਫ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਲਿੰਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਬੇਟੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਹੈ ਕੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਜ਼, ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਚੇਂਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਅਪਰ ਚੇਂਬਰ ਇਜ਼ ਥੋਰੈਸਿਕ ਕੈਵਿਟੀ, TC, ਮਿਡਲ ਇਜ਼ AC, ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕੈਵਿਟੀ, ਲੋਅਰ ਇਜ਼ PC, ਪੈਲਵਿਕ ਕੈਵਿਟੀ। ਸੋ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਲੰਗਸ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਥੋਰੈਸਿਕ ਕੈਵਿਟੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੇਸ ਵੇਅਰ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਅਬਵ ਦਾ ਡਾਇਆਫਰਾਮ। ਦਿਸ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼, ਦਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਹਾਰਟ ਬਟ ਦਿਸ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮਿਡੀਐਸਟੀਨਮ। ਸੋ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਰਟ ਇਜ਼, ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪੈਲਵਿਕ, ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਥੋਰੈਸਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਲੰਗਸ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੇਸ ਨੋਨ ਐਸ ਮਿਡੀਐਸਟੀਨਮ ਵੇਅਰ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਏ ਫਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਸਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ 250 grams। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ 250 grams ਇਨ ਫੀਮੇਲ, ਐਡਲਟ ਫੀਮੇਲ, ਐਂਡ 300 grams ਇਨ ਐਡਲਟ ਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਟ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਕੂਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮੇਲ ਔਰ ਨੋਰਮਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ 250 ਐਂਡ 300 grams ਇਨ ਅਡਲਟ ਮੇਲ ਐਂਡ ਅਡਲਟ ਫੀਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 250, ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 300। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੋਨੀਕਲ ਮਸਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ, ਕੋਨੀਕਲ ਮਸਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬਰੋਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਨੀਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਨੀਵ ਹੈ, ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਰੋਡ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰੋਡ ਹੈ। ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਬੇਸ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਏਪੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਹਾਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡੀਅਕ, ਕਾਰਡੀਆ, ਕਾਰਡੀਅਕ। ਸੋ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੂ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ
आउटर इज आउटर पेरीकार्डियम, इनर इज इनर पेरीकार्डियम। आउटर पेरीकार्डियम, इनर पेरीकार्डियम, तो दोनों के अंदर एक स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज द इंटर पेरीकार्डियल स्पेस, जिदे अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, पेरीकार्डियल फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम द जर्क्स। ठीक है, जो भी जिन्हों आप कह सकते हैं कि जिमें सपोज आप कितने गिरे तो यह नहीं है भी अपनी बॉडी के ऑर्गन इन्ने डेलीकेट है कि मैं थोड़ा जा किसी चीज़ नाल स्ट्राइक की मेरा स्टमक टुट गया, थोड़ा जा हार्ट पर किसी ने टच किया हार्ट ब्रेक हो गया, नो, तो इट हैज़ द शॉक एब्जॉर्प्शन पार, दैट फ्लूइड प्रोवाइड्स द पार टू एब्जॉर्ब द शॉक। क्लीयर है? सो हार्ट की लोकेशन क्लीयर है, हार्ट कितने प्रेजेंट है, किड़ी कैविटी के अंदर, इज इट क्लीयर? वेट ऑफ द हार्ट इज क्लीयर, शेप ऑफ द हार्ट इज फिस्ट लाइक कॉनिकल स्ट्रक्चर, अपर पार्ट इज बेस, लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट इज एपेक्स ऑफ द हार्ट, आउटर वॉल ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज पेरीकार्डियम, इनर वॉल ऑफ द हार्ट इज इनर पेरीकार्डियम, दोनों के अंदर एक स्पेस प्रेजेंट है जिन्होंने आप कहेंगे इंटर पेरीकार्डियल स्पेस, जिदे अंदर की प्रेजेंट है, जिदे अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है जिन्हों कहेंगे पेरीकार्डियल फ्लूइड। क्लीयर है? एम आई ओके? हूँ देखो, हूँ अपने को आया, मैंने हार्ट का डायग्राम नहीं बनाया, मैं हूँ तुम्हें जनरल, अगर आप जनरल क्लीयर करिए फिर मैं बाद डायग्राम भी ड्रॉ करूँगी, मैं प्लस का साइन बनाया, ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट के ऊपर दो पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उन्हें कहते हैं ओरिकल्स, अपर पार्ट्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एज, लोअर पार्ट्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एज ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। क्लियर है? हूँ हार्ट दे, अगर हार्ट को मिड तो डिवाइड करा, मिड तो डिवाइड करा तो दो पार्ट हो गए, राइट एंड लेफ्ट। सो माई राइट, ऑन माई राइट हैंड साइड आई विल राइट द लेफ्ट, ऑन माई लेफ्ट साइड आई विल राइट द राइट, दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑन द बोर्ड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑन द बोर्ड, बट बॉडी के अंदर राइट राइट है, लेफ्ट लेफ्ट है, एवं क्यों लिखा बोर्ड पर? मैम पहले भी दसिया हुआ है कि जो आप बॉडी चो कोई स्ट्रक्चर बाहर क्ढ़िया तो उल्टा है, मैं उन्होंने सीधा किया तो वो डायरेक्शन चेंज होगी, एम आई क्लीयर? मतलब मिरर दे अंदर तुसी अपना फेस भी देखते हो तो थोड़ा उल्टा दिखता है ना, समथिंग लाइक दिस, तो दैट इज राइट ऑन द लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑन द राइट, सो दिस इज राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, एम आई क्लियर? दिस इज लेफ्ट ओरिकल, आप डायग्राम भी ड्रॉ करांगे, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट ओरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। क्लियर? नाउ ह्यूमन हार्ट इज फोर चेम्बर, क्लियर है? 1, 2, 3 and 4, टू ओरिकल्स आर देयर एंड टू वेंट्रिकल्स आर देयर, ऑन द राइट साइड आई हैव वन ओरिकल वन वेंट्रिकल, ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव वन ओरिकल वन वेंट्रिकल, उन्होंने मैं की क्या राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ओरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर ओरिकुलो सेप्टम, ओरिकल्स दोनों ओरिकल्स आपस चकी दे नाल सेपरेटेड ने इंटर ओरिकुलो सेप्टम, सेप्टम मतलब एक उन्होंने दोनों के विचकार डिवाइडर है, और एक वेंट्रिकल्स आर डिवाइडेड बाय इंटर वेंट्रिकुलो सेप्टम, ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, पर उत्थे आपा की लिखते हैं बाइकस्पिड वैल्व एंड ट्राइकस्पिड वैल्व, एम आई क्लियर? क्योंकि उस स्पेस को पूरा नहीं ना बंद कर सकते, इतों तो बंद हो गया ताकि ये वाले दोनों ब्लड मिक्स ना हो, इतों भी बंद हो गया ताकि इतों वाले ब्लड मिक्स ना हो, पर जो ऊपर वाला ब्लड नीचे ही नहीं आऊगा तो मेरा काम किवें चलूगा, दैट इज वाई वी हैव इज द वेल्व्स बिटवीन द ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, किड़े किड़े वेल्व्स होंगे है, वी हैव इज लेफ्ट ओरिकल ओपन इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ बाइकस्पिड वेल्व, द लेफ्ट ओरिकल्स ओपन इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ अपर्चर
कॉल्ड एज बाइकस्पेड वेल। इस जगह ते केड़ा प्रेजेंट है? बाइकस्पेड, कस्प मतलब विचालो दी वेव प्रेजेंट कस्प। इस जगह ते की है वी हैव इज द ट्राइकस्पेड वेल। क्लियर? हम देखो एक ढक्कन है बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड दे आर जस्ट लाइक अ फ्लैप। वो फ्लैप खुलना है तो वो फ्लैप बंद होना है, फ्लैप ओपन होना है फ्लैप बंद होना है। उस फ्लैप नो मान लो फ्लैप एवें हो जाए एवें ही ना हो देन प्रॉब्लम हो जूगी ना। इस फ्लैप नो नीचों दी मसल्स ने पकड़ के रखे होने, मसल लाइक थ्रेड्स। ठीक है? यानी कि इस जगह ते इस जगह ते इतने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ने जिन्होंने इन्होंने फ्लैप्स नो पकड़ रखे इन्हों की ओपनिंग ते क्लोजर हेल्प कर रहे हैं। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कॉर्डे टेंडने। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स, कॉर्ड जिमें तंबू लगाया है, टेंट लगाया है, वो नीचे आप पाने ना पाइप्स पाने। जे पाइप्स नहीं पाओगे तो वह कि देर तक स्टेबल रहेगा? स्टेबल ही नहीं रहेगा। दैट इज़ वाई वी हैव इज द कॉर्डे टेंडने इन आर हार्ट। द हार्ट है जोड़ा बेटे वह कंप्लीटली पार्टीशनड है ताकि ऑक्सीजनेटेड तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिकसिंग ना होए। क्लियर है फ्रॉम द प्लस डायग्राम? मैं डायग्राम नहीं बनाया, मैंने जस्ट एक प्लस द साइन बनाया टू शो यू द कि हार्ट किवें है। ऑक्सीजनेटेड ते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हुंदा। द हार्ट दे ऊपर वाले चेंबर नू आई विल राइट एज ओरिकल्स और एट्रिया, और हार्ट दे लोअर चेंबर्स जो कि थिक वॉल्ड है उन्हां नू आई विल राइट विद द वेंट्रिकल्स। एम आई क्लियर टिल दिस? नाउ वी हैव इज जो लेफ्ट एंड राइट साइड्स ने वो आपस च सेपरेटेड ने बाय ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर इंटर ऑरिकुलर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वेल्स। आउटसाइड ऑफ द हार्ट इज आउटर वॉल ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। ओवरऑल इज पेरिकार्डियम बट वो दो ने, द वन इज आउटर पेरिकार्डियम एंड वन इज इनर पेरिकार्डियम। ठीक है? दोनों के अंदर की प्रेजेंट है? फ्लूइड प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जो अपने हुन किता उन्हें एक बार समराइज कर लेने। ठीक है? अपना हार्ट का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर पूरा हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है? जिन्ना का रह गया होगा उन्हें भी करांगे, करना ही पैना ना, क्योंकि आप वर्किंग ऑफ हार्ट च पूरा कर लेंगे। सब तो फर्स्ट अगर मैं चलना तो हार्ट के आउटर एक वॉल प्रेजेंट है दैट इज पेरी कार्डियम। पेरी मतलब आउटर, कार्डियम मतलब हार्ट वॉल। इट्स ऑफ टू टाइप्स, आउटर पेरिकार्डियम इनर पेरिकार्डियम। दोनों के अंदर स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज पेरी कार्डियल स्पेस विच इज फिल्ड विद पेरी कार्डियल फ्लूइड। एम आई क्लियर? ना। सेकेंड पॉइंट, हार्ट ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। दैट इज द स्पेस बिटवीन थोरेसिक कैविटी के अंदर स्पेस बिटवीन द लंग्स। द स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियस्टीनम। क्लियर? हार्ट इज लाइक द फिस्ट। ठीक है? या कोनिकल इन शेप। अपर पार्ट इज कॉल्ड एज बेस, लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज एपेक्स। देन वेट ऑफ द हार्ट इज 250 ग्राम्स इन फीमेल एडल्ट एंड 300 ग्राम्स इन मेल एडल्ट। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर चेंबर्स के अंदर दो आ गई ओरिकल्स राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट एंड टू आर वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट। इन्ना ही कितने?
ओरिकल्स दे अंदर इंटर ओरिकुलो सेप्टम, वेंट्रिकल्स दे अंदर इंटर वेंट्रिकुलो सेप्टम, लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दे अंदर बाइकस्पिड वेल, राइट वेंट्रिकल राइट ओरिकल दे अंदर ट्राइकस्पिड। एम आई क्लियर टिल दिस? अपन ने हार्ट का आउट लोकेशन कर लिया, हूँ आप हार्ट का नैक्सट क्लास के अंदर डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट वी विल डिस्कस। क्लियर? कोई डाउट होए तो यू कैन आस्क मी।